नमस्कार दोस्तों, मिस्थिरी अस्नूज में आपका स्वागत है। मंत्र विज्ञान प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा विकसित शब्द की सर्वशक्तिमान शक्ति शाश्वत ध्वनि की प्राप्ति पर आधारित विज्ञान है। दोस्तों, हमारे सनातन वैदिक मंत्रों के विशिष्ट संकलन में निहित शब्द की असीम शक्ति को ऋषियों ने गहराई से महसूस किया था, इसलिए उन्हें मंत्र द्रष्टा, मंत्रों के दूरदर्शी के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने मंत्र विज्ञान के व्यापक अनुप्रयोगों का अनुभव, प्रयोग और विस्तार किया था। मंत्र साधनों की विभिन्न विद्याओं को सिखाते हुए उन्होंने ऐसे मंत्रों के किसी भी अनुचित प्रयोग से बचने के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में भी चेतावनी दी थी। विश्व के कई विद्वानों ने भी मंत्रों में वास करने वाली अपार अचेतन शक्ति के बारे में ऐसा ही मत व्यक्त किया है। दोस्तों, ध्वनि की गुणवत्ता, जो हम अलग अलग तरीकों से सुनते हैं, उसका हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर सीधा असर पड़ता है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन शैली में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, शेर की गर्जना की आवाज या हाथी की आवाज, यह ध्वनि पहली बार सुनाई देने पर भी भय की भावना पैदा करती है, भले ही सुनने वाला यह नहीं पहचानता कि वह कौन सी आवाज है। दोस्तों, ऐसा ही एक कौवे की चिड़चिड़ी आवाज के साथ भी होता है। इसके विपरीत, जब हमें किसी कोयल की आवाज सुनाई देती है तो वह ध्वनि केवल सुखदायक प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। दोस्तों, वेदों में प्रत्येक मंत्र को एक देवता के साथ जोड़ा गया है, जो ब्रह्मांडीय चेतना के विशिष्ट प्रवाह के एक शाश्वत ऊर्जा क्षेत्र का प्रतीक है। जब भी कोई मंत्र किसी विशिष्ट लयबद्ध तरीके से उच्चारण या जप किया जाता है, तो उससे जुड़ी ध्वनि तरंगें एक विशिष्ट पैटर्न में फैलती हैं और आसपास के अंतरिक्ष में ऊर्जा कणों की परतों को पार करने के बाद दिव्य शक्तियों के संबंधित ब्रह्मांडीय नाभिक तक पहुँचती है और उसमें प्रवेश करती है। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान के माध्यम से उत्पन्न मन की सूक्ष्म ऊर्जा आवश्यक ब्रह्मांडीय संचरण के लिए ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलने में मदद करती है। मंत्र तरंगों के संगत दैवीय शक्ति केंद्र से टकराने से संबंधित मंत्र के उद्देश्य के अनुसार ब्रह्मांडीय विकिरण का परावर्तन होता है। मंत्रों का जाप करने वाले साधक में और उसके आसपास भौतिक और सूक्ष्म ऊर्जा कोर पर वापस लौटता है या ब्रह्मांड में किसी अन्य बिंदु पर पहुंचता है, जैसा कि संबंधित मंत्र के विशिष्ट जप पैटर्न द्वारा निर्देशित होता है। दोस्तों, साधक और दिव्य केंद्रों के बीच संचरण और ग्रहण या संचार की यह प्रक्रिया धीमी होती है और यह शुरुआत में कम प्रभाव दिखाती है। मंत्र की उपासना और जप में समर्पित अभ्यास पूर्णता के साथ साथ आंतरिक विश्वास, मानसिक पवित्रता और एकाग्रता, साधक की निरंतरता में वृद्धि के साथ इसका प्रभाव धीरे धीरे एक जटिल तरीके से बढ़ता है। सविता सूक्ष्म शरीर, सूर्य के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत महान गायत्री मंत्र का देवता माना जाता है। इस मंत्र के सच्चे समर्पित आध्यात्मिक साधक को सविता देव से महत्वपूर्ण ऊर्जा, प्रेरणा और दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है। इस मंत्र के प्रभाव से साधक में शारीरिक और मानसिक शक्ति और विवेक पूर्ण बुद्धि के प्राकृतिक लाभ के अलावा उसका दृष्टिकोण प्रबुद्ध हो जाता है और इसी तरह सूर्य की किरणें उसका आंतरिक मन ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की कल्पना और पहुंच को साकार कर सकता है। आंतरिक पवित्रता और भावनाओं की नैतिक शक्ति साधक की दिव्य आस्था, गायत्री मंत्र की जप साधना के माध्यम से इन चमत्कारी शक्तियों को तेजी से प्राप्ति में मदद करती है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।